नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बासमती पर न्यूनतम निर्यात शुल्क रद्द करना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। किसानों के हित में बासमती उत्पादकों को केंद्र सरकार की राहत। महाराष्ट्र के बासमती चावल के निर्यातकों को लाभ। केंद्र सरकार ने सोयाबीन और प्याज उत्पादक किसानों को लेकर बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए, लेकिन अब इसके साथ ही एक अहम फैसला लिया गया जो बासमती चावल का निर्यात करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र गठबंधन सरकार के अनुरोध का सम्मान करते हुए बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य को भी पूरी तरह से वापस ले लिया है। इसीलिए बासमती धान उगाने वाले किसानों को भी इससे फायदा होगा। केंद्र शासनाने सोयाबीन तसेच कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या संदर्भात मोठे ऐतिहासिक निर्णय घेतले तर आहेतच, परंतु आता त्यासोबतच बासमती तांदळाची निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी देखील फायदेशीर असा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रातल्या महायुती सरकारच्या विनंतीला मान देत बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी लावलेलं किमान निर्यात शुल्क पूर्णपणे मागे घेतलेलं आहे, त्यामुळे बासमती धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील याचा फायदा होणार आहे। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।